ठीक है, लास्ट टाइम हमने फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के ऊपर काम शुरू किया था, और फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, राइट? ये नहीं चल रहा, ये रेगुलेटर से करना थोड़ा कंट्रोल। चलो ठीक, ठीक है, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल से पहले रादर मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करूंगा कि चैप्टर क्योंकि बड़ा है, गुम ना जाए चैप्टर में, तो एक बार स्टार्टिंग से बताऊंगा और बीच में एक बार रिवीजन भी करवाता रहूंगा बीच में, ताकि एकदम क्लियर दिखे हमने क्या किया। तो अभी तक सबसे पहले बाइट सर्वेट लॉ से हमने ये स्टार्ट किया था पूरे यूनिट को। जो बाइट सर्वेट्स लॉ है वो एक करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें क्या बताता है, डीबी। वो बी नहीं बताता हमें, डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बताता है। बाइट सर्वेट्स लॉ की हमने दो एप्लीकेशन की थी, एक स्ट्रेट वायर और एक सर्कुलर वायर। स्ट्रेट वायर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे बी की वैल्यू या डायरेक्शन निकालनी है तो फॉर्मूले थे, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने राइट हैंड यूज किया। राइट हैंड में करंट ऊपर की तरफ है और बी इनसाइड है, ये रूल। और अगर वायर सर्कुलर है या कोई लूप है तो चार फिंगर को हमने करंट के साथ घुमाया, तो बी की जो डायरेक्शन है वो कौन दे रहा था, थंब। क्लोज यहां तक। उसके बाद हमारे पास कौन सा लॉ आया, एम्पियर सर्किट लॉ। उसमें सोलेनोइड, टोरॉइड और वो शीट और जो है वायर के इनसाइड हमने बी की वैल्यू निकाली थी। इन चार या पांच एप्लीकेशंस में डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू ऑफ बी निकालते थे, डायरेक्शंस को हमने इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर बी स्टार्ट हुआ, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है इट विद अ वेलोसिटी ऑफ वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी, तो बी क्यू वी साइन थीटा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है, और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो डायरेक्शन निकलेगी फोर्स की वो कौन देगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फर्स्ट फिंगर बी, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताया था, और थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज फोर्स। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि अगर ये सेक्टर में ट्रेवल करता है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो सेक्टर के अंदर ये सर्कल ट्रेवल करेगा फिर सीधा निकल जाएगा। और इसमें एक शॉर्टकट करवाया था कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर के साथ वही एंगल बनेगा जो यहां बनेगा। तो मैंने आपको हैंड एंड शीट भी दी थी इसकी, और उसका सीधा रिजल्ट मैंने करवाया था। ठीक, तो अभी तक हमने ये किया, तो आज हम थोड़ा सा इस रिजल्ट को और आगे लेके जाएंगे। सिर्फ दो ही टॉपिक करेंगे आज पूरे लेक्चर में, दो एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, उसके बाद इसकी कॉम्पिटिशन की एप्लीकेशंस है टोटल। ठीक, तो दो बहुत फेमस टॉपिक है एनसीईआरटी के, दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का आपके जो है बोर्ड के एग्जाम में आएगी। आप ओपन कर सकते हो आपकी बुकलेट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, पेज नंबर बता दो 112, ओके, पेज नंबर 112 पे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ठीक, देखो सबसे पहले रूल नंबर 1 ये समझो, ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आप खुद डराइव करोगे। कैसे? अगर मैं ये बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर क्या होगा, करेगा, राइट? कितनी करेगा, एफ इजिकल टू बी क्यू वी साइन थीटा करेगा, ये भी केस क्लोज है। अगर मैं ये पूछता हूं कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर में मान लो करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है आए, और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है वायर, और इसकी लेंथ है एल, तो मेरा क्वेश्चन है क्या एक वायर जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, क्या ये करंट कैरिंग वायर
फोर्स एक्सपीरियंस करेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हाँ या ना? अगर करेगी तो फिर क्यों करेगी? एक तार, एक वायर के अंदर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करेगी? मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्यों फोर्स लगाएगा? चार्ज, क्योंकि उस वायर के अंदर क्या मूव कर रहा है? चार्ज, कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं पहले, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और मान लो इसमें 1,000,000 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल फोर्स क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स इंटू 1,000,000 से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल फोर्स आ जाएगी। तो वायर पे फोर्स, जब मैं बोलता हूं वायर पे फोर्स लगी, तो एक्चुअल में रियलिटी में वायर की फोर्स नहीं है, वो रियलिटी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल फोर्स है। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? कि मैं किस जो है इसके अंदर, जब मैं बोलूंगा कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकालो, तो मेरा मतलब क्या होगा? इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स निकालो, ठीक। और ये आएगा आपके एग्जामिनेशन में। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस वायर के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, वो आपको दिखाई देगा कि इट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, ठीक हो गया। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का फॉर्मूला, देखो फोर्स का फॉर्मूला हमेशा क्या हमने सीखा? वेक्टर फॉर्म में, वी क्रॉस वी। क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स निकाल ली है, तो एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स में चार्ज क्या होगा? ई। और वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट। और ये क्या होगा? बी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? ई। तो मैंने यहां पर ई लगा दिया। अब एक बार ये डिस्कस करना चाहता हूं, तो माइनस साइन क्या इसमें शो कर रहा है? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं या सोच लेते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, बस इसलिए माइनस है। अगर ये प्रोटॉन होता तो ये प्लस ई हो जाता, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन इसकी सही एक्सप्लेनेशन ये रहेगी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन, छोड़ो, पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा होता तो वो कहां मूव करता? इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव कर रहा होगा? इस तरफ। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, अच्छा ये बताओ कि अगर ये सेम वायर है, मैं चेंज कर लेता हूं चलो क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अंडरस्टूड है करंट भी इधर मूव करता है, क्योंकि करंट और पॉजिटिव चार्ज तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स बी, बी लेफ्ट में, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट, एक ही बात है, ठीक। तो करंट कैरिंग वायर में इसको करंट बोलते हैं, और वैसे इसमें डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट बी, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कहां लगेगी बोलो? बोर्ड के बाहर। क्या पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट फिंगर बी, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट, फोर्स लगेगी आउटसाइड। अगर ये प्रोटोन होता तो फोर्स कहां लगती? बाहर। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कहां लगेगी? इनसाइड, राइट। तो अगर प्रोटोन की फोर्स एफ वेक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स नेगेटिव एफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस साइन इसमें ये शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये रूल लगता है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए रूल लगता है, लेकिन हमने किस पे लगा लिया? इलेक्ट्रॉन पे, तो हमारा साइन भी क्या हो जाएगा? माइनस। पॉइंट समझ में आया? हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप तो ये भी काम चला सकते हो, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस ही पुट कर दिया। आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है वैसे इसकी, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एग्जैक्ट रूल बता रहा हूं, वेक्टर की फॉर्म में बता रहा हूं इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। कितने इलेक्ट्रॉन की फोर्स आई? एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक। कोई डाउट इसमें? एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स आ गई। नेक्स्ट, अब मान लो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन। तो एन, कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर बताओ सभी इलेक्ट्रॉन्स की टोटल फोर्स बोलो क्या होगी? एन को एफ से मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट इसमें? अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स की आ गई, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि इसके अंदर सपोज
स्मॉल एन, छोटा एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. मान लेते हैं स्मॉल एन इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इस पूरी वायर का वॉल्यूम क्या है, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम. तो ये बताओ फिर कैपिटल एन को क्या लिखें, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, क्योंकि कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल. तो मैं इस एन को यहां पुट कर रहा हूं, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू छोटे एन की जगह एन ए एल इंटू एफ वेक्टर. लेकिन मुझे पता है कि एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, एफ वेक्टर है माइनस ई इंटू वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है, यहां तक कुछ नहीं किया, एफ वेक्टर पुट कर दिया और ये वैल्यू आ गई. तो कायदे से पूरी वायर पे इतनी फोर्स लगेगी, ये रिक्वायर्ड फोर्स है पूरी वायर पे अगर कोई पूछे तो ये फोर्स है. पर ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे. छोटा कैसे करेंगे, मान लो ये इक्वेशन नंबर वन है आपकी, तो मुझको पता है कि जो करंट होता है वायर में उसको लिखा जा सकता, या वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या हुआ करती थी, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी, आई बाय एन ए. तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एन ए ई इंटू कितना वी डी क्रॉस मल्टीप्लाई. एक काम करते हैं, इस रिजल्ट को आई इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिमिलरली राइट साइड को भी एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये लो दोनों साइड्स को एल से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं इसमें. और अगर मैं यहां पर L इज अ वेक्टर, एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, यहां पर ड्रिफ्ट की वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर लिखते साइन माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि करंट कहां जा रहा है इस वायर में, इस तरफ, और VD कहां जा रहा है, इस तरफ, जो करंट है वो इधर जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, जिस वजह से साइन क्या लगेगा यहां पर, माइनस. क्या ये पॉइंट क्लियर है. और ये भी याद रहे एल एक वेक्टर है, एल वेक्टर की डायरेक्शन बोलो कहां होगी, लेफ्ट की राइट, कितने लोग बोलते हैं राइट, कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट, कोई कुछ बोला ही नहीं. फिर से एल वेक्टर राइट ले वायर में कि लेफ्ट, कौन डिसाइड करता है, बायट सर्वेट लॉ में कौन डिसाइड करता था, आए करंट एलिमेंट याद है वर्ड, जिस डायरेक्शन में करंट होता था डीएल भी उस तरफ हो जाता था, सेम अगर करंट इस तरफ है एल वेक्टर इस तरफ होगा, करंट इस तरफ है एल वेक्टर, तो एल वेक्टर को नहीं देखना, एल वेक्टर तो करंट के साथ चल रहा है, तो एल वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऑपोजिट डायरेक्शन है तो साइन माइनस आएगा. क्लियर यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें. तो लास्ट है इसमें, मैंने इसमें अगर आप ध्यान से देखो ये टर्म देख रहे हो आगे वाली, माइनस एन ए माइनस एन ए ई ई एल एल वी डी ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आई इंटू एल वेक्टर, जो कि उठा के मैं यहां पुट करने वाला हूं, तो मेरे पास फोर्स वेक्टर आ गया आई इंटू कितना एल क्रॉस बी. तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी आई एल इंटू एंगल बिटवीन एल एंड बी, जो कि क्या आएगा थीटा. पॉइंट समझ में आ रहा है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. पॉइंट क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें. तो फॉर्मूला क्या बनेगा करंट कैरिंग वायर का, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. और चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है क्यू, तो बी क्यू वी साइन थीटा, चार्ज पे बी क्यू वी और वायर पे बी आई एल. रूल वही रहेगा चार्ज पार्टिकल वाला, कि अगर मान लो करंट एक वायर में राइट की तरफ है, करंट राइट की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ है. देखो करंट राइट की तरफ है तो एल वेक्टर भी राइट की तरफ है, एल और बी में एंगल क्या बन गया जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन के साथ है तो फोर्स नहीं लगेगी वायर पे. बिल्कुल वैसी एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती, और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट के तो भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्योंकि साइन ऑफ जीरो और साइन ऑफ 180 दोनों आंसर क्या देंगे जीरो. कोई डाउट इसमें, ये रूल समझ में आया यहां तक. तो मैग्नेटिक फील्ड बस करंट वायर के साथ ना हो कभी भी,
जहां मर्जी हो फोर्स एक्सपीरियंस होगी, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वायर के साथ होगा तो इट विल एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, फोर्स समझ में आ गई। तो सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि ये तो आता ही आता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा या एल आई इन टू एल क्रॉस बी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमने करना है नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स हाँ पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली आपके बोर्ड में ये एक्सप्रेशन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो इस पे या न्यूमेरिकल या इक्वेशन आना ही होता है। समझेंगे इसे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी किस्मत है जो आएगा वो देखिए। तो इसके अंदर आपको ये गिवन है कि सपोज आपके पास इनफाइनाइट वायर्स हैं, ये रही दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, पैरेलल होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, पैरेलल वायर्स है। मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन I1 है और इसमें करंट कितना है I2। आपकी बुकलेट में शायद ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, कोई बात नहीं, मैं वो भी केस सॉल्व करके दिखा दूंगा। पहले मैं अपना केस लेता हूं, मान लो I1 I2 करंट है, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि ये I1 करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। एक इनफाइनाइट वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है R। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर, देखो अपने ऊपर B नहीं लगाता, अपने आसपास तो B लगाता है। मान लो एक मिनट के लिए मैंने इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, मान लो लेंथ L ले ली, मतलब वैसे तो इनफाइनाइट है पर मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए इसकी लेंथ L कंसिडर कर ली। और मेरा एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ये बताओ कि ये जो इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट कितने आए वन, क्या ये इस पोर्शन पे बी लगाएगा? लगाएगा। कितना लगाएगा? इनफाइनाइट का फॉर्मूला बोल दो यहां पर, बी वन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय टू आई वन डिवाइडेड बाय, सही है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कितना लिया मैंने आर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक कुदरत, ठीक बी लगेगा यहां पर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये करंट कैरिंग वायर यहां पर बी लगाएगा तो बी की डायरेक्शन कैसे लगाएगा? ओके, कैसे डिसाइड करते हैं? फ्लेमिंग का नहीं, अपना रूल। फ्लेमिंग का रूल तो फोर्स निकालने के काम आता है, अपना रूल तो बी निकालने के काम आता है। तो बी की डायरेक्शन देखें, क्योंकि वायर स्ट्रेट है तो थंब ऊपर की तरफ और फिंगर्स इनसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो राइट हैंड लेना है, थंब ऊपर फिंगर्स इनसाइड। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें जो B आएगा B1 वेक्टर इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनसाइड। कोई डाउट इसमें? ठीक, अपने रूल के हिसाब से इनसाइड है। और अभी अभी दो मिनट पहले एक रूल सीखा कि करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वायर? करेगी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अपने नहीं, अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स नहीं है, वो अपने ऊपर कोई फील्ड नहीं लगाती, वो आसपास लगाती है। तो ये वाली वायर इसके ऊपर बी लगाएगी और करंट कैरिंग वायर इसके बी में पड़ी हुई है तो इस पे फोर्स लगेगी। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड ऑन, फर्स्ट फिंगर बी, बी कैसे है इसमें इनसाइड। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट कहां पर है? ऊपर। तो फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ। फिर से बी कैसे है? इनसाइड, लेफ्ट हैंड रूल, इनसाइड। सेंट्रल फिंगर कहां है? डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर। तो फोर्स कहां है? लेफ्ट। तो एक काम करते हैं, इसकी जो फोर्स है वो इस तरफ एक्सपीरियंस की जाएगी। इस फोर्स का नाम है F21 वेक्टर। F21 का मतलब है सेकेंड वायर पे फोर्स लगी, लेकिन किसकी वजह से? वन की वजह से। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फिर से एक बार, इसकी जो वैल्यू होगी F21 की वो क्या होगी?
यहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वन, करंट कितना जा रहा है इसमें आई टू, बी वन आई टू इन टू लेंथ मैंने इमेजिनरी कितनी ली है एल, क्योंकि मैं अपना क्वेश्चन एल पे कर रहा हूं, और साइन ऑफ कितना, कितने लोग बोलते हैं 90, ऐसा क्यों, एंगल किसके किसके बीच में देखा जाता है, लेंथ में और बी में, लेंथ बोर्ड के ऊपर है और बी बोर्ड के इनसाइड है, तो बी और लेंथ में एंगल क्या होगा, कोई डाउट इसमें, तो यहां पर साइन ऑफ 90, और बी की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करें म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई 1 बाय आर इंटू आई 2 इंटू एल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 2i1 into i2 डिवाइडेड बाय r, क्या ये स्टेप क्लियर है, तो मैंने क्या निकाल दी फर्स्ट वायर की या सेकंड वायर की फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। फिर से देखो एक बार, इसमें आई वन नहीं आएगा, आई वन ने तो बी जनरेट किया, बस आई वन जा रहा था यहां पर, उसने बी जनरेट किया और उस चक्कर में ये करंट कैरिंग वायर ने फोर्स एक्सपीरियंस कर ली। अब उल्टा करते हैं, चलो फिर देखो एक बार, अब आई टू करंट कहां जा रहा है, ऊपर, हम एक काम करते हैं इस वायर का एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं एल, तो ये करंट आई टू इसके ऊपर बी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा, कहां लगाएगा, इनसाइड की आउटसाइड, चेक करते हैं, तो कौन लगा रहा है इसमें अब बी, आई टू, आई टू कहां जा रहा है ऊपर, तो आई टू कितना बी लगाता है, उसके लिए किसका रूल, फ्लेमिंग का कि मेरा अपना, हाँ मेरा अपना रूल, फ्लेमिंग का नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं कुदरत, राइट हैंड अपना रूल था, करंट ऊपर जा रहा है और बी यहां पर निकालना है, बी की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रूल, और फोर्स जहां आएगी वहां फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो अपने जो करंट I2 की वजह से थंब ऊपर है तो फोर्स B कहां लगेगा, आउटसाइड, तो करंट ऊपर है इस पोर्शन पे जो B है, B ऑफ I2 ने लगाया, तो यहां पर B2 लिखें और इसके ब्रैकेट में क्या लिखें, आउटसाइड, गुड आउट इसमें, राइट। अब ये बताओ कि ये जो B2 की वैल्यू आएगी, B2 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाय इनफाइनाइट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई टू डिवाइडेड बाय आर, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लग गया इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड बी टू में करंट कैरिंग वायर आई वन है, तो करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी टू, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे, आउटसाइड, तो ये लो बी लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट आउटसाइड, ठीक है, तो इस तरीके से आउटसाइड, करंट कहां पर है, नीचे की ऊपर, तो सेंट्रल फिंगर ऊपर, फोर्स कहां आएगी फिर इस तरफ, राइट, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, बी कैसे है, बाहर, लेफ्ट हैंड हैंड फर्स्ट फिंगर बी बाहर, करंट कहां पर है, ऊपर, तो फोर्स कहां पर है, इस तरफ, तो फोर्स जो आएगी वो आएगी एफ ऑफ 1 2 वेक्टर, तो फोर्स एफ ऑफ 1 2 विल बी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, बी टू, करंट इसमें कितना जा रहा है, आई वन, पॉइंट क्लियर है, बी टू इंटू आई वन इंटू लेंथ मैंने इमेजिन की एल, और साइन ऑफ फिर से कितना 90, क्लियर है यहां तक, क्योंकि बी वेक्टर तो आउटसाइड है, लेंथ के साथ एंगल 90 ही बनने वाला है इसमें, गुड आउट इसमें, तो एक बार फिर से B2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू आई टू बाय आर इंटू आई वन इंटू एल, या F12 बाय एल,
is mu naught by 4 pi into 2 I1 I2 divided by R. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है वो फिर से एक बार एग्जैक्टली सेम आ गई. तो चाहे फर्स्ट वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो चाहे सेकंड पे निकालो आंसर दोनों में सेम आएगा. तो ये एक्सप्रेशन बहुत लोग गलत करते हैं. वो लोग ये सोचते हैं कि मैंने फोर्स निकाल ली. नहीं, मैंने फोर्स नहीं निकाल ली, मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल ली. फर्क क्या है इनमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके इक्वल है और इसके यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर. कुदरत क्लियर है यहाँ तक सानिया? कुदरत कोई बात नहीं. बुकलेट में डायरेक्शन ऑपोजिट है, वैल्यू सेम रहेगी. मैं वो केस भी करके दिखा रहा हूँ, अभी दोनों केस करके दिखाऊंगा. ये यहाँ तक क्लियर है? ओके. अब दो मिनट के लिए डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ. अभी तक मैंने ये माना कि करंट इज कैरिंग, करंट वॉज कैरिंग इन सेम डायरेक्शन. एक शॉर्टकट बनेगा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में है तो फोर्सेस ऑपोजिट है, तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच. तो दो पैरेलल वायर में अगर करंट जा रहा है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी. क्लियर है यहाँ तक? तो कभी कभी तो वुडन स्टिक के साथ उनको सेपरेट भी करना पड़ता है ताकि वो अगर बहुत हाई करंट जा रहा है कहीं पता लगे दो वायर्स चिपकी ना जाएं, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर बहुत क्लोज हैं तो उनके बीच में वुडन स्टिक्स बीच में डाली भी होती हैं ताकि आपस में स्टिक ना करें. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक. नेक्स्ट इसके अंदर जो मैं सेकेंड केस ये लेना चाहता हूँ अब, कि सपोज करो, फिर देखो, सपोज ये आपके पास करंट है ऊपर की तरफ I1, ये आपके पास करंट है नीचे की तरफ I2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R. ठीक. मैंने एक बार फिर से लेंथ कंसिडर की इसकी L, कुछ भी पोर्शन ले लिया. ये करंट I1 इसके ऊपर पोर्शन पे B लगाएगा. डायरेक्शन बोलो, सिर्फ करंट ऊपर है तो राइट हैंड लगेगा B की डायरेक्शन के लिए. थंब करंट के साथ है, B कैसे लगेगा? बोर्ड के इनसाइड, राइट? तो B कैसे लगेगा इसमें? बोर्ड के इनसाइड. तो मैं इनसाइड लिख लेता हूं. कोई डाउट इसमें? राइट. फिर देखते हैं, मैंने इसका एक और पोर्शन L लिया. साथ के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये करंट कहां जा रहा है? नीचे. तो ये भी तो वहां पर B लगाएगा, तो करंट नीचे जा रहा है तो B कैसे लगेगा? फिर से इनसाइड, क्योंकि करंट इसमें नीचे जा रहा है और ये B कहां लगाएगा? इसमें इनसाइड. तो एक बार यहां पर B2 वेक्टर के ब्रैकेट में भी क्या डाल लेते हैं? इनसाइड. कोई डाउट इसमें? ओके. ये देखो करंट नीचे है, नीचे. अगर करंट नीचे है तो पॉइंट यहां पर है तो इनसाइड. ठीक है, ऐसे अंदर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एक काम करते हैं, फोर्स निकालते हैं. फोर्स यहां पे, तो सबसे पहले इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. बी कहां पर है? बोर्ड के इनसाइड. फर्स्ट फिंगर बोर्ड के इनसाइड. करंट कहां पर है? ऊपर. तो फोर्स कहां आएगी? लेफ्ट. बी इनसाइड, इनसाइड. और फोर्स, करंट कहां पर है? ऊपर. तो फोर्स इस तरफ. तो ये जो फोर्स आएगी एफ वन टू वेक्टर वो लेफ्ट आएगी, राइट. फिर से एक बार देखते हैं, यहां पर डायरेक्शन लगाते हैं. बी कहां पर है इसमें? इनसाइड. तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फिंगर इनसाइड. करंट कहां पर है? ऊपर के नीचे, नीचे, नीचे. सेंट्रल फिंगर नीचे. फोर्स कहां आएगी? राइट. बी कहां पर है? इनसाइड. करंट कहां पर है? नीचे. और फोर्स राइट, राइट. तो इस केस में जो फोर्स आएगी एफ ऑफ टू वन वेक्टर वो इधर. इंपॉर्टेंट, इफ करंट इन टू वायर्स आर कैरिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो दे विल रिपेल ईच अदर. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो दो वायर्स अट्रैक्ट करेंगी, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दो वायर्स रिपेल करेंगी. कोई डाउट इसमें? शॉर्टकट याद रहेगा ये. तो आपके बुकलेट के पेज नंबर कहां पर लिखा हुआ है? नोट लिखा हुआ है मैंने 114 लिखा हुआ है. इफ टू
wires are carrying parallel wires are carrying current in same direction, they will attract each other. If they are carrying current in opposite direction, they will repel each other. Clear यहाँ तक? Result clear है? जब ये result आएगा derive करने को, साथ में एक number का और question आता है, also define fundamental definition of 1 ampere. ऐसा कुछ लिखा हुआ है नीचे? 1 ampere की definition है ऐसी कुछ? Okay. तो 1 ampere को define भी करो. हमने दो parallel wires में force पर यूनिट लेंथ का जो एक्सप्रेशन निकाला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i1 i2 डिवाइडेड बाय आर निकाला है, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर करंट 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो मान लो करंट कितना है दोनों वायर्स में 1 एम्पियर. कैन बी इन सेम डायरेक्शन, कैन बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है. और मान लो डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स 1 मीटर है, तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं सारी वैल्यूज को यहां पुट करूंगा फोर्स पर यूनिट लेंथ को, तो 10^-7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर. तो हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट वो करंट है जो दो वायर्स में जब ट्रेवल करता है, चाहे इन सेम डायरेक्शन चाहे इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो दो वायर्स आपस में फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाती हैं 2 × 10^-7 एंड दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट. क्या ये पॉइंट क्लियर है कि 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट मच अमाउंट ऑफ करंट जो कि दो वायर्स में मूव करेगा, मूविंग इन टू पैरेलल वायर्स आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, having force per unit length of 2 × 10^-7 newton per meter, attractive or repulsive. ठीक है यहां तक? नहीं, net force तो एक body पे निकलती है ना, system की तो net zero होगी. हाँ तो हो जाता, उसमें क्या दिक्कत है? charge move ही नहीं कर रहा तो net force zero ही है ना, उस पे move करेगा तो होगी, नहीं तो नहीं होगी. पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. तो आज का टॉपिक बस यहीं तक था और दो ही टॉपिक करने हैं बस, उसके बाद अब इसकी एप्लीकेशन करनी है. अब मैं आपको इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा. मेरे पास इतने क्वेश्चन हैं कि अगर मैं अभी से स्टार्ट हो जाऊं और अगले लेक्चर तक भी खत्म कर जाऊं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जल्दी हो गया. ठीक. तो मैंने, क्योंकि सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मानी जाती है मैग्नेटिक में वो एच सी वर्मा ही है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अलग तरीके के हैं और बहुत सही तरीके से बनाए हुए हैं उसने, और सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स ने भी वहीं से कहीं ना कहीं आइडिया लिया हुआ है. तो मैंने उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने मेन मेन क्वेश्चंस हैं जो अपनी रेंज में हैं, बाकी एक्सेप्शनल क्वेश्चन को छोड़ के, वो सारे के सारे नोट्स तैयार किए हुए हैं कि हर क्वेश्चन की फिगर, मतलब अब क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हुए हैं मैंने, फिगर वही रहेगी, उसके आंसर्स मैंने साथ लिखे भी हुए हैं और मैं डिस्कस भी करूंगा. क्योंकि आप करोगे तो कम से कम 3-4 दिन लगाओगे, मैं करूंगा तो 1.5 घंटे में कर दूंगा, तो आपका टाइम बचेगा. फिर आप मेरी शीट्स करना शुरू करोगे तो शीट्स आपसे इजीली होंगी. तो जिसके लिए अभी वो नोट्स आ रहे हैं प्रिंट आउट्स, मैं आपको प्रिंट आउट दूंगा उसके नोट्स, और मैंने आज प्रोजेक्टर ऑन कर लिया है और ताकि टाइम बचे तो मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, तो मैं साथ के साथ यहीं से आपको समझाऊंगा. ठीक. तो बीच बीच में यूज करता जाऊंगा मैं ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो, तो इस तरीके से 15-20 दिन हमारे सेव हो जाएंगे. ठीक. और प्रिंट आउट मैं आपको साथ ही साथ दूंगा. आज का लेक्चर अपलोड करूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा कि क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको रूल्स. आज सिर्फ हर क्वेश्चन रूल्स रखने हैं तो होगा क्या कि कई बार अभी समझ में आता है, घर जाके फिर भूल जाता है रूल कैसे लगाया था, तो आप उसको फिर से एक बार रिवाइज भी करना. ठीक. अभी आपको पता लगेगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको जरूरत पड़ेगी. ओके. सबसे पहले मैं अब एग्जांपल देता हूं. पहला एग्जांपल है कि सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है I1, और सपोज आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर लूप है A, B, C एंड D, और
I1 की वैल्यू है 10 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 2 एम्पियर, ये जो लेंथ आपको गिवन है रेक्टेंगल की, ये गिवन है मान लो 7 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है मान लो 4 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है मान लो 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ करना है, दोनों कोई भी कोई भी मेरा पहला क्वेश्चन, करंट कैरिंग वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, ये भी पैरेलल है इसके, ये इसके भी पैरेलल है, ये बताओ कि ये जो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है प्लीज, ये जो वायर है इस पूरे लूप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, पहला ऑप्शन, रिपेल करेगी दूसरा ऑप्शन, कुछ नहीं करेगी तीसरा ऑप्शन, लेफ्ट भेजेगी राइट भेजेगी या घुमा देगी, कितने लोग मानते हैं अट्रैक्ट करेगी, ऐसा क्यों लगा आपको? ये सेम डायरेक्शन में है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो है, क्योंकि यही करंट ऊपर जाएगा, यही करंट इधर जाएगा और फिर इधर आएगा, ये वाला और ये वाली वायर आर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे विल रिपेल ईच अदर। अब आंसर क्या होगा? अट्रैक्शन ही है। क्यों? डिस्टेंस काम है, क्योंकि अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लें, फोर्स पर यूनिट लेंथ दो वायर्स में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R, R जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी छोटी होगी, दो वायर जितनी क्लोज होंगी उनकी फोर्स स्ट्रांग होगी, दो वायर दूर होगी तो फोर्स वीक हो गई, तो जो नेट फोर्स होगी ऑब्वियसली वो स्ट्रांग फोर्स के हिसाब से चलेगी, तो जो नेट फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव स्ट्रांग होगी, इन दोनों की फोर्स स्ट्रांग होगी क्योंकि ये पास है, तो अल्टीमेटली ये पूरा रेक्टेंगल क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक, एक एक करके वायर लेके डिस्कस करते हैं और समझ में आएगा। सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मेरे को नेट फोर्स बताओ कितनी लगेगी वायर पे, पूरे रेक्टेंगल पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी, ये मेरा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, हम पहले ए बी की फोर्स निकालते हैं, राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन ए बी। देखो मुझे पता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई वन आई टू डिवाइडेड बाय आर। सबसे पहले फोर्स ए बी पे निकालते हैं। मुझे ये बताओ ए बी पोर्शन की फोर्स अगर निकालनी है तो लेंथ किसकी पुट करनी है? ए बी की, जिसकी फोर्स उसकी लेंथ, तभी तो बनेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ए बी पोर्शन की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 10 इज टू पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू करंट की वैल्यू, एक में 10 है एक में 2 है, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, और मुझे पता है करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्टिव होगी, नीचे की तरफ होगी। क्या पॉइंट क्लियर है? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? फोर्स ऑन ए बी, जो भी आएगा बस वो आंसर होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना प्लीज, इसको आप राइट साइड पे जरूर ले जाना, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 बाय 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू, इसको राइट साइड पे 7 इंटू 10 की पावर माइनस, तो यहां से फोर्स ऑन ए बी जो भी आएगी इसके यूनिट्स क्या बनेंगे?
न्यूटन, तो मैंने लेंथ राइट साइड पे ले गया तो बचा क्या, न्यूटन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। तो फोर्स ए बी के ऊपर इस तरीके से निकलेगी, राइट, और डायरेक्शन कैसे होगी, नीचे की तरफ होगी, बिकॉज करंट सेम डायरेक्शन में, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट, दो वायर्स सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगी, खींच लेगी इसे, ठीक, शॉर्टकट लगा दिया, अट्रैक्टिव है तो सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव है, राइट। अब ये देखो, अब मैं फोर्स निकालने जा रहा हूँ सी डी और इस वायर की, ये नीचे वायर में करंट कहाँ है, राइट, और इसमें कहाँ है, लेफ्ट, करंट इन दोनों में ऑपोजिट है, अगर ऑपोजिट है तो ये इसे क्या करेगा, रिपेल, तो ये इनफाइनाइट वाली वायर इस पर क्या लगाएगी, रिपल्सिव फोर्स, क्लियर। और इसमें ये अजम्पशन है कि ये वाली वायर इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, प्लीज, क्योंकि आप ये भी पूछेंगे रेक्टेंगल में, ये भी तो करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे विल रिपेल ईच अदर, उसका क्या होगा, उसको प्लीज नहीं कंसिडर करना, राइट। तो इनफाइनाइट वायर का इफेक्ट स्टडी किया जा रहा है, आपस में नहीं किया जा रहा, राइट। तो इस केस में फोर्स ऑन सी डी अगर आपको निकालनी है, फोर्स ऑन सी डी, अब लेंथ कितनी है सी डी की, 7 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 into I1 into I2 डिवाइडेड बाय आर। तो फोर्स ऑन सी डी विल बी इक्वल टू 7 into 10 की पावर -2, 10 is to power -7 into 2 into 10 into 2 करंट है, आर बोलो क्या होगा इन दो वायर्स का, 4 + 1 = 5, तो यहां पर आएगा 5 into 10 is to power -, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स सी डी पे आ गई कितने न्यूटन, और कैसी होगी, रिपल्सिव। कोई डाउट इसमें, ठीक, नहीं तो इनफाइनाइट का इफेक्ट पूछा होगा उसमें, ओवरऑल अट्रैक्टिव या रिपल्सिव लेते नहीं है वैसे, ये भी खुल जाती वायर, दूर हो जाती है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये इसे अट्रैक्ट करेगी, इसे रिपेल करेगी, तो ओवरऑल ये अट्रैक्टिव है, हमने ये तो डिस्कस ही नहीं किया, ये भी तो करंट है, ये करंट कैरिंग वायर, और ये जो वायर है ये इस पे भी तो फोर्स लगाएगी, कहाँ लगाएगी, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहाँ, ये तो डिस्कस ही नहीं किया, तो इसको डिस्कस करें एक मिनट, इसका क्या हुआ, ओके, कैंसिल हो जाएगी, कैसे, नहीं देख देख, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो एक बार डिस्कस करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में फंसा लेगा वो आपको परपेंडिकुलर वायर देके, याद है, क्लियर है, मैं से मिटाऊंगा एक मिनट, ओके, तो प्लीज एक मिनट इस चीज का आंसर दो, ये देखो ध्यान से देखना प्लीज, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये करंट है I1, इनफाइनाइट है, राइट, ध्यान से देखना, अभी तक हमने जो शॉर्टकट रिजल्ट सीखे, हमने तो याद ही कर लिया ना, करंट सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ताकि काम ही खत्म हो, लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया कि अगर करंट इस तरीके से जा रहा है परपेंडिकुलर, तो दो वायर हैं, मान लो ये AD कोई वायर है, और मेरा क्वेश्चन है कि ये वायर इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, कितने लोग बोलते हैं लगाएगी, कितने लोग बोलते हैं 90 डिग्री है तो नहीं लगाएगी, लगाएगी, ओके, मैं एक क्वेश्चन और छोटा पूछ लेता हूं, चलो, कितने लोग ये मानते हैं कि ये वायर I1 इस पूरी वायर पे बी लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, ये करंट कैरिंग I1 अपने आसपास बी लगाएगी, वो तो जो लगाएगी लगाएगी, आप लोग इतना टाइम क्यों लग रहे हो सोचने में, मुझे यही समझ में आ रही, एक इनफाइनाइट वायर तो अपने आसपास बी लगाएगा ही लगाएगा, मतलब ये तो सोचने का क्वेश्चन ही नहीं है,
मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये इनफाइनाइट वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? हाँ तो करेगी, ठीक है। तो ये बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, पक्की बात है, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। मैं ये वैल्यू चेंज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, सेम भी नहीं लगेगा। पॉइंट जितनी पास होगा इस वायर के, बी उतना बड़ा होगा, और पॉइंट जितनी दूर जाता जाएगा बी उतना छोटा होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि इनफाइनाइट वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बाय 4π 2i/r, r बढ़ता जाएगा बी कम होता जाएगा, तो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता। पर ये केस इसमें नहीं था क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, यहां 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 बी की वैल्यू विल बी, इसमें कोई टेंशन नहीं। पहला रूल क्लियर है। अच्छा दूसरा रूल ये बताओ कि अगर मैं कोई एलिमेंट लूं इसका, यहां पर छोटा सा एलिमेंट जहां पर बी वन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, बी वन प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट कैरिंग वायर जिसमें आई टू करंट है, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी कि नहीं करेगी? आपको क्या लगता है कि ये एडी वायर पे ये वायर फोर्स लगाएगी? कितने लोग बोलते हैं हाँ लगाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस लगेगा, राइट। अच्छा ये बताओ ये जो बी वन बी टू बी थ्री है इसकी डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के अंदर की बाहर? बाहर। कैसे लगाओगे? फ्लेमिंग का रूल की अपने राइट हैंड का अपना रूल। तो ये लो, ये रहा थंब इधर, आई वन ऊपर और बी कैसे है, तो यानी कि बी चाहे छोटा चाहे बड़ा रहेगा इनसाइड, राइट। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है कि जो बी की वैल्यू है वो कैसी होगी? इनसाइड। कोई डाउट इसमें? ठीक। करंट कैरिंग वायर आई टू इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी वन बी टू बी थ्री, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? फ्लेमिंग का। तो बी कहां है बोर्ड के? इनसाइड। करंट कहां पर है? इस तरफ। फोर्स कहां लगेगी? बी कहां है? इस तरफ, इनसाइड। करंट कहां है? राइट। फोर्स कहां लगेगी? ऊपर, राइट। फोर्स की वैल्यू जो यहां लगेगी वो ज्यादा लगेगी, यहां पे थोड़ी सी कम लगेगी, यहां पर और कम लगेगी, यहां पर और कम ऐसे। क्यों? क्योंकि बी जितना स्ट्रांग होगा फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। पास वाले पॉइंट पे बी बड़ा है, फोर्स बड़ी है, दूर जाते जाते बी छोटा है तो फोर्स भी छोटी है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो अब मुझे एक चीज, ठीक है, अगर आपके पास कोई वायर है और जिसके अंदर मैंने क्या बताया कि फोर्स लग रही है, तो बताओ इसकी ये मूव कैसे करेगी? ऊपर ऐसे मूव करेगी ये वायर? देखो फोर्स तो लग रही है तो वायर को तो जाना पड़ेगा, तो कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे तब जाती जब हर तरफ फोर्स सेम होती, यहां से फोर्स ज्यादा, यहां से कम कम कम, तो यहां से ज्यादा होने की वजह से ऊपर तो जाएगी लेकिन साथ में मुड़ भी जाएगी। ये ऊपर जाएगी लेकिन साथ में यहां पर मुड़ जाएगी क्योंकि फोर्स यहां से थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इसमें टॉर्क जनरेट हो जाता है। तो ये घूमेगी, इसमें टॉर्क, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसमें क्या जनरेट हुआ, आप बोलेंगे इसमें टॉर्क जनरेट हुआ। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें?
ओके चलो, अब सेम रूल यहां लगाएंगे, यहां भी तो ऐसा ही कुछ केस है, ध्यान से देखना। यहां पर करंट कहां जा रहा है? राइट, ठीक, राइट, ध्यान से देखना। तो ये करंट कैरिंग वायर इस वायर पे बी तो लगाएगी, कैसे लगाएगी? राइट हैंड थंब आउटसाइड। तो यहां पर जो बी लगेगा, यहां पर जो बी लगेगा वो यहां पर थोड़ा ज्यादा लगेगा, कम लगेगा और कम लगेगा, लेकिन लगेगा आउटसाइड। क्यों? क्योंकि पॉइंट जितनी नजदीक होगा बी उतना बड़ा होगा, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड का है आउटसाइड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बी कहां पर है? आउटसाइड, यारा। करंट कहां पर है? नीचे। फ्लेमिंग का रूल, बी आउटसाइड है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ, ठीक। तो यहां पर थोड़ी ज्यादा लगेगी, यहां पर कम लगेगी, कम लगेगी और कम लगेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? सेम रूल लगा रहा हूं जो यहां पे लगाया मैंने, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, करंट इसमें कहां जा रहा है? राइट। तो अगर मैं कोई पॉइंट इस इस वायर पे लूं, तो बी की डायरेक्शन करंट राइट है, बी कैसे होगा इसमें? आउटसाइड। तो बी की वैल्यू यहां पर फिर से एक बार आउटसाइड है, राइट, लेकिन फिर से एक बार यहां पर थोड़ी ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर कम और यहां पर और कम, क्योंकि पॉइंट जितनी दूर होगा बी उतना कम होगा। फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। बी कैसे है? आउटसाइड। करंट कैसे है? ऊपर। फोर्स कैसे होगी? फिर देखो, इसमें बी है आउटसाइड, करंट ऊपर, तो फोर्स इस तरफ, लेकिन यहां पर फोर्स थोड़ी ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर कम, यहां पर कम। अब ये इस तरीके से होगी कि ये वाली फोर्स इसे कैंसल, ये इसे कैंसल, 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 तो इसलिए ना ये लेफ्ट जाएगा ना ये, बस इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। और इसमें से बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर देना है? माइनस। तो आपके पास नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगी और अट्रैक्टिव आएगी। क्लियर है यहां तक? तो मेथड समझ में आया इसको कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? ओके, पहली एप्लीकेशन क्लियर है? किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा समझ में आ रहा है? और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे वो टॉर्क जनरेट होगा कहाँ, क्वेश्चन सेकंड ऑब्जेक्टिव आएगा, बोलो ये वायर कहाँ मूव करेगी अगर परपेंडिकुलर है, तो सारे आंसर्स इस क्वेश्चन में से निकल के आएंगे, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें जो आता है वो कुछ ऐसा होगा कि सपोज आपके पास एक बार फिर से दो वायर्स गिवन होंगी इसमें, ये फर्स्ट वायर है, ये रही फर्स्ट वायर I1 और ये सेकेंड वायर है I2, ठीक। तो कुछ इस तरीके से मान लो वायर्स हैं दो, जो भी इनफाइनाइट फाइनाइट जैसे भी हैं, पर ये पता है कि दे आर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो ऊपर वाली वायर है, ऊपर वाली वायर, इसका आपको क्वेश्चन के अंदर ना वेट पर यूनिट लेंथ गिवन होगी। जो ऊपर वाली वायर है उसमें क्या गिवन होगा? वेट पर यूनिट लेंथ, वेट नहीं, वेट और अपॉन इट्स लेंथ। मान लो आपको गिवन है 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक, ये ना, ठीक।
और क्वेश्चन ये है कि बताओ कि मैं इनमें कितनी सेपरेशन रखूं आर, ताकि करंट इसमें 10 एम्पियर है, करंट इसमें 2 एम्पियर है, सच दैट ये जो करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ है वो हवा में रेस्ट पे रहे। मतलब आपको इसमें आर बताना है कि ऊपर वाली वायर हवा में रहे। अब ये हवा में कब नहीं रहेगी, क्योंकि इसका वेट इसको नीचे गिरने की कोशिश करेगा, और मुझे मुझे ये पता है कि अगर करंट इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वाली वायर इस वायर को क्या करेगी, रिपेल। ठीक, तो हमें ये भी पता है कि हम इस केस में क्या निकाला करते हैं, फोर्स नहीं, दो पैरेलल वायर में फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेंथ तो आपको गिवन नहीं किसी वायर की, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब इस केस में अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाली वायर किस पे रहे, रेस्ट पे, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ किसको बैलेंस करे, इसके वेट पर यूनिट। देखो, फोर्स वेट को बैलेंस करती है, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ वेट पर यूनिट लेंथ को बैलेंस करेगा। ठीक, तो अगर ये रेस्ट पे रहेगी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई आर, और वेट पर यूनिट लेंथ आपको क्वेश्चन में सीधे गिवन है कितना, 10। तो आप यहां पर वैल्यूज पुट कर लेना और यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है, जब भी आप पैरेलल वायर देखेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना। शीट्स
ओके चलो स्टार्ट करते हैं. ओके प्लीज आजस चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक काम करो, मैंने आपको एक हैंड रिटन शीट दी है और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज प्रिंट आउट लें. फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक, कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेंगे. ठीक, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के अंदर, नहीं नहीं ये सिंगल शीट वाली है, सिंगल शीट जिसपे फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है. ठीक, अभी आपको पता लग जाएगा कौन सी शीट है. देखो ओके, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर. देखो ध्यान से समझो, अभी तक जितना भी हमने मैग्नेटिक किया स्टार्ट बैट से वेट लॉस से हुआ था. बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि चैप्टर छोटा लगे, ठीक, नहीं तो गुम जाओगे बड़े से चैप्टर में. बैट से वेट लॉ की दो एप्लीकेशंस की, एम्पियर सर्किट लॉ किया, चैप्टर क्लोज किया. इस चैप्टर के अंदर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल किया. फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल में एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी, डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. फिर हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन माना और इलेक्ट्रॉन को वायर में मूव करवाया और वायर के ऊपर फोर्स बी आई एल साइन थीटा, राइट. और उसके बाद हमने किया दो पैरल वायर्स हैं और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना. अभी तक फोर्स पर यूनिट लेंथ के कैसे क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताया, दो दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बता दिया, बाकी असाइनमेंट के अंदर मिलते रहेंगे. फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एफ इज इक्वल टू बी आई एल के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा हैं. आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस शीट के बियॉन्ड मैंने आपको दो और शीट्स दी हैं. वो शीट्स कहाँ से ली हैं मैंने बता देता हूँ. जितने भी आपके मेंस के, नीट के, एडवांस के और एच सी वर्मा के जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने उस नोट्स में डाल दिए हैं. सॉल्यूशन के साथ बनाया है ताकि आपका टाइम खराब ना हो सिर्फ कॉपी करने में. ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा और जो शीट्स हैं मेरी उसमें आप उसको लगा के देखोगे. तो शीट्स नहीं करवाऊंगा, शीट्स होमवर्क दूंगा और कॉन्सेप्ट आपको सारा बताऊंगा, ठीक. इंस्टेड की मैं शीट्स करवाऊँ उससे बेटर है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप खुद अपने कॉन्सेप्ट को लगा के देखें. तो सबसे पहले जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में फॉर्मूला जो हमने सीखा फोर्स का, I इंटू एल क्रॉस बी, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, राइट. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में यही है. मैंने जान के वेक्टर फॉर्म में लिखा है क्योंकि L वेक्टर, L इज अ वेक्टर और वेक्टर का मतलब ये क्या बताती है हमें, डिस्टेंस नहीं, ये क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट. तो याद रखना इसमें L वेक्टर का मतलब वायर की लेंथ का मतलब वायर का डिस्टेंस वाली लेंथ नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट. मैं आपको अब लगा के दिखाता हूं इसका मतलब है क्या. फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इस तरफ, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और सपोज करो ये आपके पास एक वायर है, ये भी ए से लेके डी तक ये वायर है, टेढ़ी मेढ़ी वायर है. हमने जो रिजल्ट सीखा एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा उसमें वायर हमेशा स्ट्रेटली, हमने कभी टेढ़ी मेढ़ी वायर ली नहीं, ठीक. तो अगर वायर टेढ़ी मेढ़ी है कुछ इस तरीके से ज़िगज़ैग या किसी भी शेप में है तो आपने क्या करना है सबसे पहले, और इसमें मान लो करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है आई, ये रहा. तो आप इस और मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूनिफॉर्म है बी, वो चेंज नहीं हो रहा, और आपको इसमें फोर्स निकालनी है वायर पे, तो बी आई, ये तो क्लियर है, बी आई एल साइन थीटा का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ. बी आई लेंथ, जो लेंथ लेनी है, चाहे ये वायर आपको जितनी मर्जी 15 मीटर लंबी गिवन हो नहीं लेनी, आपने सबसे पहले डी और ए पॉइंट को क्या कर देना है, ज्वाइन. क्योंकि एक गाड़ी अगर टेढ़ी मेढ़ी जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या काउंट होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग की स्ट्रेट डिस्टेंस, यही होता है. तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या काउंट होगी, ए से लेके डी तक. अब आपने जो स्ट्रेट लाइन है उसने कितना एंगल बनाया यहाँ के साथ, थीटा. जो स्ट्रेट वायर है उसने कितना एंगल बनाया, थीटा. क्या पॉइंट क्लियर है, तो आपने एंगल लेना है थीटा, ठीक. तो आपका आंसर होगा बी आई, लेंथ की जगह टेढ़ी मेढ़ी वायर नहीं लेनी, लेंथ की जगह क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट ए डी, और इस डिस्प्लेसमेंट ने बी के साथ एंगल कितना बनाया, थीटा. आपने ये आंसर बोलना है. क्या ये पॉइंट क्लियर है, इस रिजल्ट को लगाना कैसे है, राइट. तो कई लोग लेंथ मान लेते हैं, नहीं एक्चुअल लेंथ नहीं है क्योंकि अभी तक वायर स्ट्रेट थी और स्ट्रेट में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो एक ही बात थी, पता नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें पता लग रहा है. पहला रूल क्लियर है. दूसरा रूल, आप इस डायग्राम का
ये जो पेज है इसका सेकंड डायग्राम चेक करो। सेकंड डायग्राम में आपको एक जिग, ये टेढ़ी मेढ़ी एक लूप बना के दिया है मैंने, करंट कैरिंग लूप, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बोर्ड के इनसाइड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड है, तो और मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है, करंट इसमें आई है, तो बोलो ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कार जब घूम के आती है एक जगह से, जहां मर्जी घूम के आए और वापस वहीं पर आ जाए जहां से स्टार्ट हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो। करंट का भी तो वही है, करंट एक पॉइंट से अगर स्टार्ट होता है घूम के लूप में वहीं पर आ जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। तो फोर्स एक्सपीरियंस भी क्या होगी? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कोई भी लूप में करंट घूम गया, घूम के वहीं पर वापस आ गया, तो समझ लेना कि आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, नेक्स्ट जो डायग्राम है उसको देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रेजेंट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और मान लो ये एक सेमी सर्कल है, सच दैट दिस इज आर एंड दिस इज आर। करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से, इसमें मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, करंट ए से गया और ए पे वापस आ गया। वैसे तो काफी लोगों को पता लग जाता है इसमें कि ए से करंट गया, घूम के वापस ए पे आया, तो नेट फोर्स क्या आनी चाहिए? जीरो। कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि क्लोज लूप है, जहां से स्टार्ट हो रहा है घूम के वहीं पर आ रहा है करंट, तो नेट फोर्स जीरो। पर फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक काम करते हैं, पहले फोर्स निकालते हैं किस पोर्शन पे, ए डी पे, फिर फोर्स निकालेंगे मान लो कोई पॉइंट है ये सी, डी सी ए पे, राइट। तो हम इस वायर को, इस पूरे फिगर को दो सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक नीचे वाली वायर स्ट्रेट और एक कर्व्ड वायर, राइट। नीचे वाली वायर ए डी है, बोलो ए डी के ऊपर क्या होगा? बी, फोर्स क्या होगी? फॉर्मूला बोलो, बी आई एल साइन थीटा, बी इंटू आई इंटू लेंथ की जगह डिस्प्लेसमेंट कितनी लेंगे इसमें? 2r, तो इंटू 2r, और साइन ऑफ कितना? 90। वो क्यों? क्योंकि करंट इस तरफ है तो लेंथ भी इस तरफ है, लेंथ इस तरफ है, बी बोर्ड के अंदर है, तो लेंथ और बी में एंगल कितना बनेगा? 90। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन फोर्स की कौन बताता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बी कैसे है? बोर्ड के इनसाइड। करंट कहां पर है? इस तरफ। बी बोर्ड के इस तरफ। करंट कहां पर है? ऐसे। फोर्स कहां लगेगी? ऊपर। तो ये लो, ये फोर्स जो लगेगी, ये एफ ऑफ ए डी ऊपर लगेगी, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं अपवर्ड्स। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आया इस क्वेश्चन? आधा क्वेश्चन कैसे किया? अब बचा हुआ आधा, बचे हुए आधे में कौन आएगा? डी सी ए। ठीक, बचे हुए आधे में डी सी ए। डी सी ए में ध्यान से देखना अब क्या होगा। डी सी ए के अंदर वायर स्ट्रेट, वायर जो है वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक, वायर स्ट्रेट नहीं है, तो आपने मन में ही अज्यूम करना है कि आपकी वायर चाहे टेढ़ी है डी सी ए, पर आपने तो एक पॉइंट डी मानना है और आपने एक पॉइंट ए मानना है, और उनके बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या लेनी है? 2r। आपने ये नहीं बोलना इसका डिस्टेंस पाई आर है, नहीं पाई आर नहीं है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2r है। डी और ए के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस लेना है जो कि कितने है? 2r है, राइट। तो आपने मन में मानना है कि डीएसी की जगह आपने ये लो, डीएसी में एक वायर बना दी, और डीएसी में करंट कहां जा रहा है? लेफ्ट की तरफ, तो इसमें भी करंट कहां जाएगा? तो अगर ये डीएसी वायर ना होती, डीएसी का इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा होता, तो इसमें बोलो क्या फोर्स होती? बी आई इंटू 2r, साइन ऑफ 90, और फ्लेमिंग के रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें। बी कैसे है? बोर्ड के इनसाइड। करंट कहां पर है? इस तरफ। फोर्स कहां लगेगी? नीचे। बी करंट नीचे, तो इस पूरे सेगमेंट पे डी सी ए पे फोर्स कैसे लगेगी? डाउनवर्ड। तो एक फोर्स ऊपर एक नीचे, वैल्यू दोनों की इक्वल, तो नेट फोर्स इनकी क्या हो जाएगी? जीरो। वो अलग बात है कि हमने तो एक मिनट में आंसर जीरो बोल ही दिया था। बोलो, जो डी सी ए और ऐसे मैथ्स में ये कैसे सेम होएगी? वो पाई आ रहा है, वो 2r, हमने लेनी 2r है,
हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, हम डिस्टेंस नहीं लेते। हमें कोई हम ये चाहे गोल 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 घूम के भी यहाँ पहुंच जाए ना, हमने नहीं लेनी है एक्चुअल लेंथ, हमने 2R ही लेनी है। चाहे ये जहां से मर्जी ले जाओ इसे, आप इसको 300, 400, 500 किलोमीटर दूर घुमा लाओ, छोड़ यहीं पर दो, तो भी आपने 2R ही लेना है। नहीं नहीं देखो, हम सिर्फ मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, आपने इसके अलावा कोई फोर्स की बात नहीं करनी, ठीक। ये लूप टेबल के ऊपर बना हुआ है तो ग्रेविटी का इसमें कुछ नहीं रोल। ये ऐसे नहीं है बोर्ड, मेरा बोर्ड ऐसे है ना, बोर्ड नीचे रख के कैसे बनाऊं डायग्राम, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक है, मिक्स नहीं करना अनलेस उसने कहा नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक ओके। नेक्स्ट जो है डायग्राम, देखो नेक्स्ट डायग्राम में सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में फिर से एक सेमी सर्कल है, ये ए है, ये डी है, ये सी है, लेकिन इस बार करंट कैसे है, करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में। कितने लोग बोलते हैं नेट फोर्स जीरो आएगी, नहीं आएगी, वो तो लिख रही हुई है नेट फोर्स जीरो, जीरो नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि नेट फोर्स जीरो, अच्छा क्यों नहीं आएगी ऐसे, क्योंकि करंट घूम के वापस नहीं आया, लूप नहीं कंप्लीट हुआ, सेम डायरेक्शन में तो नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं हम, पहले एक बार फिर से एफ ऑफ ए डी निकालते हैं, बी करंट इसमें आए है और लेंथ इसमें, डिस्प्लेसमेंट इसमें 2R है और साइन ऑफ कितना 90, और डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बी कैसे है, बोर्ड के इनसाइड है, करंट कैसे है, ऐसे है, तो फोर्स कहाँ है, नीचे, राइट। तो इसमें फोर्स अब कैसे आएगी, एफ ऑफ ए डी नीचे, राइट। तो यहां पर क्या आएगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डीसीए, डीसीए तो टेढ़ी वायर है, आपने अपने मन में ये तो सोचना नहीं कि टेढ़ी है, आपने ये सोचना है कि डी से लेके ए तक बस यही वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 2R और करंट इस तरफ है। तो आपने इसमें एफ ऑफ डी सी ए की वैल्यू बतानी है, बी इंटू आई इंटू 2R इंटू साइन ऑफ अगेन 90 डायरेक्शन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बी कैसे है, बोर्ड के इनसाइड है, करंट कैसे है, इस तरफ है, फोर्स कहाँ है, नीचे है, बी करंट नीचे। तो एक बार फिर से, करंट डी सी ए में कहाँ है, नीचे, दोनों फोर्सेस नीचे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगी, इन दोनों का एडिशन। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर। तो ऐड करेंगे आंसर आएगा, तो ये पेज क्लियर है जो इस पे लिखा हुआ है सारा, ठीक। ओके एक असाइनमेंट दिया मैंने आपको, प्लीज एक बार चेक करो, ठीक। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन, एक असाइनमेंट जो नेक्स्ट असाइनमेंट है हैंड रिटन, इसका इसकी हेडिंग क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं प्लीज प्रिंट ले ले पहले, तो ठीक। तो इसमें सबसे पहले
इसका जो फर्स्ट पेज पे सेकंड क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्लीज एक बार पढ़ो, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ये अलग अलग पेपर्स में से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, पुराने पेपर्स हैं सारे, तो आपको ये सब मिलेंगे अपने पुराने 10 ईयर्स पेपर्स में। स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी तो मैंने सिर्फ टू दी पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। इसमें ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक थिन वायर है, ये रही, आपके पास थिन वायर के सामने, इनफाइनाइट के सामने एक और वायर है, लेकिन ये थिन नहीं है, ये थिक है, मोटी वायर है। हमने थिन वायर्स और थिन वायर की फोर्स पर यूनिट लेंथ तो कैलकुलेशन की, पर इसमें थिन और थिक वायर है। मेरा क्वेश्चन वही है कि अगर मान लो ये एक थिन वायर है और एक थिक वायर है, तो मेरे को इनमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। क्या गिवन है मुझे? मुझे गिवन है इसमें इनके वायर्स में डिस्टेंस ए है, इसकी जो लेंथ है, थिकनेस है, वो कितनी है? बी है, और करंट इसमें I1 है, करंट इसमें I2 है। राइट, क्वेश्चन समझ में आया? और मुझे ये भी गिवन है मेरे क्वेश्चन में कि लैम्डा का मतलब इसमें करंट पर यूनिट लेंथ है, और लेंथ ये वाली नहीं, इनफाइनाइट है, लेंथ ये वाली, इस टाइप से। राइट, तो मेरे को क्या गिवन है? इस वायर का करंट कितना गिवन है? I2, और ये कितनी इसकी लेंथ है इस तरफ? बी। तो मेरे को क्या गिवन है? लैम्डा सेकेंड वायर का, सेकेंड वायर का लैम्डा इज I2 डिवाइडेड बाय बी। क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक कि क्या गिवन है मुझे? ठीक, तो रूल क्या है? रूल सिंपल है, थिक वायर में से आप एक थिन वायर निकाल लो, ये रही, ऑफ थिकनेस dx, इसका छोटा करंट निकाल लो, और ये वायर में मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? x। तो पहले हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे इसका और इसका, और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे यहां से लेके यहां तक सभी वायर्स का, और टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पहले इसका करंट निकाल लें एक मिनट, और इसका फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लें, छोटी वायर पर, थिन वायर और थिन वायर की। तो आप अगर चेक करें इसमें, तो इसके अंदर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो मैंने निकाली हुई है df, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने लिखा हुआ है, स्मॉल फोर्स की पर यूनिट लेंथ, इसलिए क्योंकि आपने स्मॉल सेगमेंट लिया उसका, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का? 2 I1 I2 बाय R। 2 थिन वायर का करंट I1, जो थिक वायर है उसकी क्या गिवन है? लैम्डा का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, और हमारी वायर की लेंथ कितनी है थिन वायर की? dx। तो करंट कितना आया सेकेंड वायर का? लैम्डा इंटू dx, क्योंकि ये है क्या, करंट पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? करंट। और लैम्डा की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? I2 बाय बी, यहां पुट किया, ये एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या आया? स्मॉल फोर्स पर यूनिट लेंथ थिन और थिन वायर का, और अगर टोटल निकालना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? इसकी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप चेक करो, तो इंटीग्रेशन में इसकी जो लिमिट्स लगेंगी, जो पहला सेगमेंट ऑफ थिन वायर होगा वो ए से स्टार्ट होगा और आखिरी कहां पर होगा? बी। तो लिमिट लगेगी ए से लेके ए प्लस बी के। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है यहां तक। तो यहां पर ए से लेके ए प्लस बी की लिमिट लगाएंगे, 1 बाय x dx की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होती है, लॉग एक्स ए से लेके बी तक सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है इसमें? ठीक, तो थिन और थिक वायर के बीच में फोर्स कैसे निकलेगी? पॉइंट क्लियर है? अटिपिकल मेंस टाइप क्वेश्चन है, मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और पक्का कहीं ना कहीं से आया होगा, तभी मैंने कंपटीशन के हिसाब से लिया है तो जरूर आया होगा। मेडिकल में लॉग वाला टर्म मुझे थोड़ा डाउटफुल है आएगा, बट नॉन मेडिकल वालों को तो पक्का ऐसा क्वेश्चन आया होगा। मेडिकल में थोड़ा सिंपल आ जाता है कि जिसमें सिंपल वायर्स हैं।